नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सालों से रिक्त पड़े अध्यक्ष जिला उपभोक्ता अदालत के पद पर अध्यक्ष सुरेश चंद्र भारती ने कार्यभार संभाल लिया है। मूलतः हाथरस के निवासी जिला जज वाराणसी रह चुके, पूर्व में जनपद बहराइच में भी अपर जिला जज के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत इटावा के बहराइच पहुंचे अध्यक्ष सुरेश चंद्र भारती ने जिला उपभोक्ता अदालत का कार्यभार ग्रहण किया है। अध्यक्ष श्री भारती ने बताया कि बहराइच की उपभोक्ता अदालत में लगभग 978 वाद लंबित हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने वाली प्राथमिकता है। साथ ही बहराइच के उपभोक्ताओं से अपील किया है कि किसी भी सामान की खरीदारी पक्की बिल के साथ करें, तभी उपभोक्ता अदालत के दायरे में लुभाविन हो सकता है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सुरेश भारती। सर, क्या बताना चाहेंगे, बहराइच में आपने आज ज्वाइनिंग की है, किस पद पर ज्वाइनिंग की है और आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहराइच में आज मैंने अध्यक्ष मुक्त आयोग के पद पर पदभार ग्रहण किया है और इस आयोग में लगभग 978 मुकदमे पेंडिंग हैं और करीब एक साल से अधिक से कोर्ट वैकेंट होने के कारण मुकदमे डिस्पेयर नहीं हुए। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि 978 मुकदमों को तेजी गति से निपटाया जाए और इसमें प्राचीन मुकदमे हैं उनका शीघ्र निपटारा कराया जाए। और एक बार उपभोक्ताओं के लिए संदेश देना चाहूँगा कि उपभोक्ता जो भी सामान लेते हैं उसकी पक्की रसीद या पक्का बिल जरूर लें, ताकि उन्हें अगर किसी माल की गुणवत्ता में कोई शिकायत पाई जाती है तो उसी रसीद के आधार पर मुकदमा उपभोक्ता आयोग में अपने जो उसका नुकसान हुआ है उसको लेने के लिए, वसूलने के लिए मुकदमा ला सकते हैं। और एक और है कि उपभोक्ता के अंतर्गत कोई भी माल गुणवत्ता के जो मुकदमा आ जाता है 2 साल के अंतर्गत ही मुकदमा प्रस्तुत करना पड़ेगा। 2 साल का भी निकल जाती है तो आयोग का डिस्क्रिप्शन है कि उसको आयोग लिमिटेशन को आगे बढ़ाता है या लाभ देता है नहीं देता, लेकिन कम से कम 2 साल के अंदर आयोग का मुकदमा आ जाना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।